नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के साथ दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स अपनी स्मार्ट टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी के साथ में कंपनियों का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में इन सभी ब्रांड्स को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि माइक्रोमैक्स जो कि हमारा एक इंडियन ब्रांड है, इसने जल्द ही कमबैक किया है और मार्केट में धीरे धीरे अपनी वैल्यू को फिर से गेन कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर भगवती प्रोडक्ट्स का भी थोड़ा सा सपोर्ट रहा है। तो दोस्तों इसी भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ दुनिया के कई बड़े ब्रांड जैसे रियलमी, वन प्लस, इन्फिनिक्स, टीसीएल और बीपीएल जैसी कोलैब करके स्मार्ट टीवी की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया है। और कंपनियों का दावा यह भी है कि जैसे हमारी स्मार्ट टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, हम धीरे धीरे यहां पर स्मार्टफोन, एसी और इसके साथ में पीसीबीज की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। इनके साथ में नोकिया, मोटोरोला जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं इंडिया के अंदर। और दोस्तों ये सारा काम पीएलआई योजना के तहत किया जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अहम सवाल है कि यहाँ पर इसमें कई ब्रांड्स ऐसे शामिल हैं जो चीन से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों ऐसे में एक सवाल बनता है कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाएगी जिसकी वजह से ये सभी चाइनीज से लिंक हुए ब्रांड्स कैसे इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।